मैं जूनियर्स को ये बताना चाहूंगा कि आप प्लीज एजी गुरु जी को सब्सक्राइब करिए। और एक ऐसा टाइम था आईसीआर, कैसा टाइम था जब जिस टाइम पे आईसीआर लगातार डिले कर रहा था काउंसलिंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे फिर देखा कि एजी गुरु जी चैनल बहुत अच्छे रिकमेंडेशन, बहुत अच्छी वीडियो लेके आ रहा था, नए नए नोटिफिकेशन आ रहा था। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो भी आईसीआर के जो भी एस्पिरेंट्स थे, जिन्होंने अच्छा रैंक प्राप्त किया था, मार्क्स प्राप्त किए थे, उनको बहुत अच्छा हेल्प किया था एजी गुरु जी ने। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एजुकेट चैनल में। मैं अंकित कुमार, इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल पर एग्रीकल्चर टॉपर्स के इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट की हमने, और उसमें मैं लगातार आपको ऑल इंडिया के टॉपर से मिलवाता जा रहा हूँ। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ है मिस्टर देवानंद जी। इन्होंने सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर JRF 2021 के अंदर ऑल इंडिया के अंदर 5वां रैंक हासिल किया है, और इन्होंने अपना UG JNKV जबलपुर से किया था, और अब अपना PG IRE न्यू दिल्ली से करेंगे। और इनसे जानेंगे कि इन्होंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, कितने टाइम पढ़ते थे, क्या स्ट्रेटजी थी, पूरा डिटेल बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा आकर जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो एजी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब अपडेट, एग्जाम अपडेट, एंट्रेंस एग्जाम और स्कॉलरशिप इंटरव्यू सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर माई साइड एंड गिव मी इंट्रोडक्शन यू। थैंक यू सो मच एजी गुरु, थैंक यू सो मच। ओके, सो माय नेम इज देवानंद त्रिपाठी एंड आई बिलोंग टू कटनी मध्य प्रदेश, एंड आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। ओके, एंड आपने किस सेमेस्टर से इसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था? मैंने बेसिकली अपने 7th सेमेस्टर से, जिस टाइम पे लॉकडाउन वगैरह चालू था, या फिर हम रावे बोल सकते हैं, जब रावे का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे मैंने अपना प्रिपरेशन चालू किया था। ओके, और आप कितना टाइम पढ़ते थे, कितना घंटे पढ़ते थे? अगर टाइम की बात करें तो मेरा ये मानना है कि सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है वो आप उसका जो सिलेबस है वो आप मैक्सिमम 3 to 4 मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था इसी टाइम पे, मतलब पिछले साल इसी टाइम पे मीन जनवरी में स्टार्ट किया था मैंने, और मैं पर डे 6 आवर्स पढ़ता था, और कभी आवर्स का कोई रेंज नहीं था, कभी ज्यादा होता था, कभी कम भी हो जाता था। ओके, एंड आपने कोई सेल्फ स्टडी, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, या सिर्फ स्टडी से आपने क्लियर किया था? मैंने सेल्फ स्टडी की थी, कोचिंग मैंने बिल्कुल ज्वाइन नहीं की। बट हाँ, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। जैसे एजी गुरु चैनल है जो आगे जाके टेस्ट सीरीज वगैरह देगा, तो आप प्लीज उसको ज्वाइन करिए, और उसके टेलीग्राम चैनल में जाके जरूर, वो जो पब्लिश करता है नए नए टेस्ट, नए नए जो क्विज लगाता है, तो आप प्लीज उसको सॉल्व करिए। ओके, एंड अब आप बुक लिस्ट बता दीजिए, थ्योरी बुक्स, ऑब्जेक्टिव बुक्स, पूरा। बेसिकली सोशल साइंस में 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और बहुत माइनर क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिस्टिक के। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, तो पहली बुक है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर सोशल साइंस बाय सुभाष चंद्रा। ये सोशल साइंस का बाइबल है, आप इसको थॉरली पढ़िए। मैं पर्सनली बताऊं, मैंने इस बुक को 15 से 16 times पढ़ा है, कंप्लीट किया है। तो फर्स्ट टाइम में आपको ज्यादा कुछ नई नॉलेज होगा इसके बारे में, बट आप रीड करिए, थॉरली रीड करिए, पूरी की पूरी बुक इंपॉर्टेंट है। उसमें स्टैटिस्टिक्स का भी पार्ट है, उसमें एक्सटेंशन का भी पार्ट है, और इकोनॉमिक्स तो है ही। मींस अगर आप इस बुक को कंप्लीट करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। दूसरी बुक है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बाय सुब्बा रेड्डी। सुब्बा रेड्डी मैंने 1 से 2 बार रीड किया, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो चीजें मैंने सुभाष चंद्र में कॉपी में सुभाष चंद्र में लिख दिया, राइट डाउन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट बुक है इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, VT राजू। इस बुक को मैंने 2 से 3 बार पढ़ा है, इसमें फार्म प्रोडक्शन का बहुत अच्छा नॉलेज है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं, और मैंने 2 बार इस बुक को पढ़ा है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बाय KN रवि कुमार। ये बुक जो है ये PhD वालों के लिए एग्जैक्टली, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हर एक टॉपिक के, ज्यादा नहीं बट 50 to 60 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए, दैट इज इनफ। अगर हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करते हैं तो पहली बुक है इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन बाय श्रुति। इस बुक को आप थॉरली कंप्लीट करिए, अप्रोक्सीमेटली 10 times, एग्जाम के पहले कंप्लीट करना ही है। नेक्स्ट बुक है एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट बाय GL रे।
मेरा ये मानना है कि जो श्रुति है वो जीएल रे से ही बनी है, मीन्स जीएल रे को का कंपाइलेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो श्रुति में है। तो अगर आपको कुछ चीज एक्स्ट्रा लगती है जीएल रे में तो आप उसको श्रुति में लिख दीजिए। नेक्स्ट थर्ड बुक है द टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन बाय ए एस संधू। मैंने इसको एक ही बार रीड किया है, ओनली वन टाइम, जो मुझे एक्स्ट्रा लगा वो मैंने लिख दिया था। नेक्स्ट है एमसीक्यू इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय सुनील जीजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, मेरा ये मानना है कि आप इस बुक को 3 से 4 बार इसके पूरे एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और जो भी एमसीक्यू आपको लगे इंपॉर्टेंट उसको आप याद कर लीजिए। मैंने इन बुक्स को पढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स, कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मिलेंगे, जैसे एनजी रंगा के आपके नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ, उनको भी आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आपने पीडीएफ बुक्स बता दी, और आपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए थे या नहीं किए? हैंड रिटन नोट्स की अगर बात करें तो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, मैंने एक बाइंड अप, एक 200 पेज की एक कॉपी बनाई थी, उसमें मेरे को जो भी चीज एक्स्ट्रा लगती थी एग्जैक्टली एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन में, जो भी मुझे क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते थे, कुछ नई चीज आती थी, कुछ नया डाटा आता था, मैं उसमें लिख दिया करता था। और बेसिकली मेरा पूरा जो प्रिपरेशन हुआ है वो सॉफ्ट कॉपी से ही हुआ है, मैंने मैक्सिमम टाइम दिया है सॉफ्ट कॉपी, मैंने पूरा पहले बुक्स कंप्लीट कर ली, उसका जो मैक्सिमम मैं मैक्सिमम पढ़ सकता हूँ वो मैंने सॉफ्ट कॉपी के थ्रू पढ़ा है, और मैंने नोट्स भी बनाए हैं। और हैंड रिटन नोट्स की अगर बात करें तो मैंने बता दिया एक सेपरेट कॉपी बनाई थी, उसमें सारे के सारे जो भी नए डाटा है, जो भी नई मिनिस्ट्री नए डाटा रिलीज करती है एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो आप प्लीज उसको लिखते जाइए, कोई नई स्कीम है उसको लिखते जाइए, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा एक्चुअल होती है, फैक्चुअल डाटा जो है वो पूछे जाते हैं, तो आप इसको। और क्रोनोलॉजी के लिए अलग से एक टॉपिक बनाइए, क्योंकि इस समय क्रोनोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जेआरएफ में। ठीक है, आपने मेन एग्जाम को किस तरह हैंडल किया, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपका क्या स्कोर था, क्या पैटर्न रहता है, और क्या पिछले इयर्स के पेपर के प्रश्न रिपीट होते हैं या नहीं होते? एजी गुरुजी, मैं बताना चाहूंगा कि इस बार का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल डिफरेंट था। मैं बता दूं, आईसीआर अपने लेवल लगातार बढ़ाता जा रहा है, और लेवल बढ़ा नहीं रहा है, लगातार क्वेश्चंस भी चेंज कर रहा है, पैटर्न भी चेंज कर रहा है। मैं बता दूं आपको, इस बार मैक्सिमम क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के ऊपर थे, इयर्स को लेकर थे कि किस ईयर में क्या हुआ, इसको आप क्रोनोलॉजिकली आप जमाइए। मैंने, अगर आप बात करते हैं कि पेपर कैसा था, पेपर बहुत डिफिकल्ट था, एक राउंड ही हुआ मेरा, मैक्सिमम एक राउंड ही हो पाया, तो मैं अपने जूनियर्स को ये बताना चाहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके आप एक राउंड कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपको अब सेकेंड राउंड नहीं मिलता, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, ज्यादा पढ़ना पड़ता है क्वेश्चंस को। टाइम लिमिट, टाइम एग्जैक्टली टाइम जितना पेपर है वो आप कंप्लीट कर लोगे, राउंड सिंगल राउंड, क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे जो पिछले साल के से रिपीट होते हैं, मतलब क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। फिर अगर नेगेटिव मार्किंग को आप प्लीज करिए, और मैं सोशल साइंस की एग्जैक्टली बात करता हूँ, तो मैंने 113 क्वेश्चन सॉल्व किए थे आउट ऑफ 120, तो मेरा माइनस मार्किंग कम ही था, ज्यादा नहीं था, और मेरे मार्क्स थे 357 आउट ऑफ टोटल मार्क्स 480, और मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 5 है। ओके, और आपने लास्ट 10 डेज में किस प्रकार रिवीजन किया था? लास्ट 10 डेज आर वेरी क्रूशियल, मैं जूनियर्स को बताना चाहूंगा, इस टाइम पे आप कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, भी पुरानी चीजें आपने पढ़ी हैं, जितने भी आपने नए नोट्स बनाए हैं, नए डाटा आपने इकट्ठा किए हैं, उनको ही रीड करिए। एक्सटेंशन में क्या होता है, एक्सटेंशन में नए डाटा आते हैं, नई चीजें आती हैं, नए नए ईयर्स बताए जाते हैं लास्ट मोमेंट पे, तो आप प्लीज कंफ्यूज ना हो, जो आपने रेलेवेंट जो मैंने बुक्स बताई उनसे जो भी पढ़ा है वो ही याद करें। हाँ, कई बार क्वेश्चन हो सकता है कि ईयर ऊपर नीचे हो सके, एक दो ईयर का ही फर्क होता है, तो आप कोशिश करिए कि लास्ट डेज 10 डेज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक अच्छा स्ट्रेटजी था जनरल एग्रीकल्चर को लेके, मैंने बहुत से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने बहुत सारे चैनल्स टेलीग्राम चैनल्स में क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं उनके स्क्रीनशॉट ले लिया करता था, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं उनको जब वो लास्ट 10 डेज में मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट रीड किए एक बार, और रीड करते ही मैं डिलीट कर दिया करता था। तो बेसिकली बात यह है कि मैं क्वेश्चन भी बहुत सारे रिवाइज हुए मेरे लास्ट टाइम पे, और वो मुझे बहुत हेल्प किया स्पेशली जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, वेरी नाइस स्ट्रेटजी। एंड और आपने खुद को किस तरह मोटिवेट रखा? मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द डेज आर एग्जैक्टली, उस टाइम पे ऐसा था कि लगातार एग्जाम शिफ्ट हो रहा था कि डेट कोई कंफर्म नहीं थी,
तो मैंने मोटिवेट ऐसे किया अपने आप को कि मैं लगातार जितने भी सीनियर्स हैं जिन्होंने ये निकाला हुआ है, जिन्होंने जो अच्छे रैंकर्स थे पिछले साल के, प्लीज उनसे कांटेक्ट करिए, उनके थ्रू आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनके बुक्स पूछिए, उनके नए नोट्स पूछिए कि आपने किस किस क्या कहाँ कहाँ से पढ़ा था। और मोटिवेशन का मेन सोशल साइंस में ये था कि आप अपने दिमाग में ये लेके चलिए कि मुझे बेस्ट इंस्टीट्यूट चाहिए। मैं जब तैयारी शुरू किया था तो मुझे दिमाग में ये था कि मुझे किसी भी तरह से IAERI जाना है, और ऐसा हुआ भी, अच्छी प्रिपरेशन किया और मुझे कॉलेज मिल गया। ओके, जी। एंड आप जो सब देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको टॉपर्स के एडिट नोट्स और बुक्स जो इन्होंने बताई है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। आपको एक साथ भटकना नहीं पड़ेगा, एक साथ सभी बुक्स की डिटेल मिल जाएगी। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान, आई डोंट शेयर दैट फ्यूचर प्लान विद एवरीबॉडी, बट सिंस एजी गुरु इज आस्किंग, आई सो आई एम आई हैव आई एम इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब। After that, I have good future plans. So, getting job is a most future plan for me right now. Okay. And why you choose social science direct for JRF? Why I choose social science? Because it contains economics. And during studying of my agriculture subject in my graduation, I was very fond of economics, especially when I see Subba Reddy, those diagrams, those things, how price and demand, how it maintains, how it goes against. So all these things, I was very fond of these things. So studying social science padhna hi mere liye acha experience raha. Aur basically extension hai. Main apne aap ko ye manta hu ki main extension mein utna acha nahi hu. To us cheez ko acha karne ke liye main extension ki taraf jana chahunga. Logon se milna, logon tak nayi nayi cheeze pahunchana. ये मेरा कहीं ना कहीं एक एम है लाइफ में। ओके, एंड व्हाट इज स्कोप इन सोशल साइंस? सोशल साइंस में बहुत सारा स्कोप है। इसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो IES आप बन सकते हैं। आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं या फिर आप कहीं भी रह रहे हैं तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जो नया एग्रीकल्चर आ रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इकोनॉमिक्स बेस्ड है। उसमें भी डिमांड, सप्लाई, स्टॉक्स, वेयर हाउसेस, इनका रोल बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि हम प्रिमिटिव जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर था उसमें नहीं जी रहे हैं, हम एक मॉडर्न एग्रीकल्चर में आ चुके हैं जहां पे वेयर हाउसिंग, जहां पे डिमांड, जहां पे सप्लाई, जहां पे प्राइस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एजी गुरु जी, बताना चाहूंगा आपको कि जब ये रोल प्ले करता है तो इसका जो पुख्ती जानकारी है, जो इसकी सारी की सारी जानकारी है, वो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के पास होती है, और एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और एक्सटेंशन की बात करें, जो नई चीजें हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, उनको फार्मर्स तक लेके जाना, हाँ मेन मोटिव हमारा प्रॉफिट ही होगा, हम एक मिडिल मैन की तरह प्रॉफिट कमा सकते हैं फार्मर्स तक नई चीज ले जाकर, तो एक्सटेंशन का भी बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर। तो मेरा ये मानना है विदाउट सोशल साइंस एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर स्टडिंग एग्रीकल्चर इज नॉट कैन नॉट बी कंप्लीटेड। मेरा ये मानना है जी गुरु जी कि सारे के सारे जितने भी सेक्टर इकोनॉमी के वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर से। हालांकि एग्रीकल्चर में जो इम्प्लॉयमेंट रेट है पहले 60 था, अब वो घटते हुए 40 आ गया है, 50-40 पहुंच गया है, और इस सेक्टर का GDP में कंट्रीब्यूशन भी कम हुआ है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़ा है कि लोग अब जानते हैं कि ये ऐसा सेक्टर है जो एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ सामने आएगा, उभर कर आएगा। आपने बहुत साथ मतलब बहुत अच्छी तरह से पूरे सवालों का जवाब दे दिया है, अगर फिर भी कुछ रह गया जो जूनियर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो तो आप बता दीजिए। मैं जूनियर्स को ये बताना चाहूंगा कि आप प्लीज एजी गुरु जी को सब्सक्राइब करिए। और एक ऐसा टाइम था ICER का, ऐसा टाइम था जब जिस टाइम पे ICER लगातार डिले कर रहा था काउंसलिंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे फिर देखा कि एजी गुरु जी चैनल बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस, बहुत अच्छी वीडियो लेके आ रहा था, नए नए नोटिफिकेशन आ रहा था। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो भी ICER के जो भी एस्पिरेंट्स थे, जिन्होंने अच्छा रैंक प्राप्त किया था, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे, उनको बहुत अच्छा हेल्प किया था एजी गुरु जी ने। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेसिकली मेरे जूनियर्स प्लीज मोटिवेटेड रहिए। लास्ट के 6 months आर वेरी क्रूशियल। आप बेस्ट सबसे ज्यादा इसी टाइम पे आप स्टडीज कीजिए, नए नए नोट्स बनाइए, नए क्वेश्चन सॉल्व करिए, और लास्ट के 3 months में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। ओके, एजी गुरु जी एरल, आप बहुत अच्छा डेवलप करेंगे आगे। थैंक यू सो मच, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू एजी गुरु जी, एंड थैंक्स टू यू टू।